तो प्रीवियस सेशन में आप लोगों ने राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन करना देखा है, वो भी हम लोग इसमें कवर करेंगे कि किस तरीके से राउटर का कॉन्फ़िगरेशन किया जाएगा। फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि राउटर आउटलेट है क्या चीज़। राउटर आउटलेट ये है, इसका जो इस्तेमाल है, राउटर आउटलेट जहाँ पे होगा वहाँ पे वो कंपोनेंट डिस्प्ले होना स्टार्ट होगा। इट विल इंसर्ट राउटेड कंपोनेंट, राउटेड कंपोनेंट यानी कि जो कंपोनेंट हमारे राउट से आएगा वो कंपोनेंट जो है इस एलिमेंट के अंदर यानी राउटर आउटलेट के अंदर इंसर्ट हो जाएगा और आपको दिखाई देगा। इस हम लोग प्रूफ कर लेते हैं सबसे पहली बात। और राउटर कॉन्फ़िगरेशन में हम कवर कर सकते हैं यहाँ पे जो रूट कॉन्फ़िगरेशन है, रूट कॉन्फ़िगरेशन एंड देन चाइल्ड कॉन्फ़िगरेशन। चलिए तो वीएस कोड में चले आते हैं और सबसे पहले हमें फाइंड करना है एक फाइल सोर्स के अंदर जो ऐप डिफॉल्ट मॉड्यूल है, जो रूट मॉड्यूल होता है, इसके अंदर ऐप डैश राउटिंग डॉट मॉड्यूल डॉट टीएस में आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे आपका राउट जो है फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग जो है टर्मिनल बना लेते हैं, जैसे कि लेट्स सी यहाँ पे हम लोग NGGC एम्प्लॉई, ये कंपोनेंट हम लोग जनरेट करते हैं, जनरेट हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट वाला कंपोनेंट बनाते हैं NGGC सर्विसेस या कोर्सेस, ठीक है। तो ये दो हमने बनाए और जिसे NGGC लॉगिन ये भी बना लेते हैं, NGGC लॉगआउट, NGGC और बना लेते हैं और एक पेज नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड यानी कि वो मिला नहीं तो क्या करना है। देखिए मैंने अभी इतने सारे तो बना दिए हैं कंपोनेंट्स, अभी हम लोग राउट भी सेट करेंगे। तो राउट में हमें क्या देना होता है सबसे पहले, पाथ। लेकिन हमें इसका बनाना होगा एक ऑब्जेक्ट और इसके अंदर देंगे पाथ। तो ये जो है मतलब मुझे होम जो स्क्रीन है वो मुझे दिखानी है, तो मैं ये यहाँ पे NGGC और होम वाला जो है एक कंपोनेंट बना देता हूँ। अगर कुछ भी ना हो मतलब मैं कोई भी पाथ ना दू, ब्लैंक हो, तो होम वाला कंपोनेंट जो है मुझे दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे होम कंपोनेंट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे होम कंपोनेंट का कर दिया। उसके बाद दूसरा जो राउट मैं कॉन्फिगर करने जा रहा हूँ वो दूसरा है पाथ। अगर मैं एम्प्लॉय पे क्लिक करना चाहता हूँ तो एम्प्लॉय, जैसे कि अगर मैं कोई ब्राउजर के अंदर एम्प्लॉय लिख देता हूँ जैसे कि एम्प्लॉय, तो मैं रिडायरेक्ट हो जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा ये वाले कंपोनेंट के पास, कंपोनेंट एम्प्लॉय कंपोनेंट, ये दूसरा है। तीसरा वाला जो होगा वो होगा पाथ। तीसरा वाला हमें क्या करना है, लॉगिन का करें, लॉगिन का कैसे करना चाहिए हमें, लॉगिन और इसका कंपोनेंट क्या होना चाहिए, लॉगिन कंपोनेंट, लॉगिन कंपोनेंट होना चाहिए इसका। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाला हमें कंपोनेंट चाहिए, तो कौन सा है नेक्स्ट वाला आप बताइए, बताते जाइए। लॉगआउट कर देंगे इसे और लिखेंगे सर कॉमा देके। कंपोनेंट और लॉगआउट कंपोनेंट, ठीक है। अभी हमारा एक पेज जो बचा है, पेज नॉट फाउंड, अगर कोई भी राउटर मैच नहीं हुआ, कोई भी नहीं मैच हुआ गलती से अगर मैंने डाला, अगर इसी को मैं अभी रन करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, एनजी सर ऐसे ब्राउजर भी ओपन कर लेते साइड बाय साइड, लोकल होस्ट ये रन हो रहा है, तो ये मैंने कॉन्फ़िगर कर लिया। ये सारे रूट है मतलब कि मेन वाले कंपोनेंट्स है यहाँ पे,
ठीक है, इसे हम लोग ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए तो अभी फिलहाल तो ये मेरा नया पेज है, और मैं ये जो app.html वाला है इसे मुझे बाकी की सारी चीजें नहीं चाहिए। तो ये जो राउटर आउटलेट लिया गया है आपके सामने, देखो राउटर आउटलेट आपका यहाँ पे लिया है, इसका मतलब है कि जो भी राउट मैं यहाँ से लिखूंगा, जैसे कि अभी यहाँ पे कौन सा राउट आ रहा है, सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करके वेरीफाई कीजिए, आप थोड़ा सा एलिमेंट पे जाइए, इसे सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको क्या दिखता है। ये देखिए बॉडी के अंदर आपको ये वाला अगर सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आप जाना चाहोगे बॉडी के अंदर चले जाओ, यहाँ पे देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पे, आर यू एबल टू सी दिस वन, क्या दिख रहा है? अप्रूव अप्रूव। अप्रूव के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको? राउटर आउटलेट राउटर आउटलेट और ये राउटर आउटलेट जो है इसके अंदर हमने क्या सेट किया हुआ है, ऐप होम है, बराबर है। राउटर ये आउटलेट के अंदर जो है इंसर्ट हो जाएगा आपका होम वाला कंपोनेंट, ये याद रखते यहाँ पे आपको दिखाई देगा। तो इसका मतलब है कि जितने भी आप यहाँ से राउटर यूज करोगे, जैसे कि यहाँ पे स्लैश डालोगे, जैसे कि एम्प्लॉय डालोगे, तो वो जो कंपोनेंट है वो इंसर्ट होगा किसके अंदर इंसर्ट होगा वो, राउटर आउटलेट राउटर आउटलेट तो आप आपके हिसाब से राउटर आउटलेट कहीं पे भी रख सकते हैं, और एक से ज्यादा भी राउटर आउटलेट हम ले सकते हैं, कोई ऐसा डिफिकल्टी नहीं, मल्टीपल भी लेते हैं, बट एज ऑफ नाउ हम लोग सिंगल राउटर आउटलेट के साथ जाएंगे। जैसे जैसे राउटिंग के इसके पार्ट में आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम लोग मल्टीपल राउटिंग फाइल्स प्लस मल्टीपल राउटर आउटलेट के बारे में जानते जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे यूआरएल में एम्प्लॉय करूंगा तो कौन सा जो है वो पेज जो है इंजेक्ट हो जाएगा उसके साथ, देखो यहाँ एम्प्लॉय लिख देता हूँ, यहाँ पे एरर आना चालू होने दीजिए, कोई बात नहीं, यहाँ पे मैंने एम्प्लॉय कर दिया, यहाँ पे क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट मैच एनी राउट्स एज एम्प्लॉय, बराबर, क्या आपको ये एम्प्लॉय राउट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो ये भी आपको देखना है। बट आपने अगर कॉन्फिगर किया है, क्या नाम से किया हुआ है, इस यहाँ पे आपने पाथ क्या दिया है, ट्रिपल ई है सर, इम्प्लॉय में आपने डबल ई डाला था। हाँ तो आप मुझे बताइए, अगर वो मिलेगा नहीं, अगर वो मिलेगा नहीं तो क्या एरर दे देगा, ब्लैंक पे चला आएगा और क्या बताएगा वो, क्या बताएगा वो, कैन तो आप कंसोल ओपन कीजिए और देखिए अगर आपको ब्लैंक आता है मतलब आपने या तो वो राउटर कॉन्फिगर किया नहीं है या तो गलत आप डाल रहे हैं। तो मेरे केस में जो है ये गलत वाला मतलब मेरा टाइपो हुआ है, तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। अभी देखिए बाय डिफॉल्ट में जब मैं स्लैश देके एम्प्लॉय दे देता हूँ यहाँ पे, तो वो एम्प्लॉय वाला चल जाता है। अगर मैं कुछ गलत कर देता हूँ, कुछ भी डालू, तो वो एरर दे देगा, कहेगा कि ये राउट मैच नहीं हो रहा है। क्या आप लोगों को ये क्लियर है? यस सर, यस सर। एम्प्लॉय है, इसके बाद बहुत सारे हमने बनाए हुए हैं, लेकिन आप चाहते हो कि अगर राउट मैच नहीं हुआ है तो कोई ऐसे पेज पे चला जाए जो कि कुछ तो कंपोनेंट है, ये बैड एक्सपीरियंस है कस्टमर के साथ, अगर उसे ब्लैंक दिखाई दे रहा है तो कस्टमर क्या कंसोल डॉट लॉग में जाके देखेगा या यूजर जाके देखेगा, नो सर, नहीं देखेगा। तो हम डेवलपर को करना क्या होता है, एक और ऑप्शन दिया गया है, हम जो है यहाँ पे आते हैं और सबसे ये ध्यान रखो, इसे कहते हैं वाइल्ड कार्ड एंट्री, इसे क्या कहते हैं, वाइल्ड कार्ड एंट्री। क्यों क्यों? क्योंकि हम लोग पाथ में कुछ भी नहीं देते, बल्कि यहाँ पे हम लोग दो एस्ट्रिक दे देते हैं यहाँ, यानी कि अगर कुछ भी मैच नहीं हुआ, एक भी राउटर अगर मैच नहीं हुआ तो ये वाला कंपोनेंट पे वो चला जाएगा, जिसका नाम होता है पेज पेज नॉट फाउंड वाला, यानी कि कुछ लिख देंगे, हे समथिंग रॉन्ग, ट्राई आफ्टर सम टाइम, ऐसे। लेकिन याद रहिए वो सबसे लास्ट में ही कॉन्फिगर होना चाहिए, नहीं तो फिर इशू देगा वो आपको, यानी कि जब एग्जीक्यूट नहीं होना तब भी वही एग्जीक्यूट होगा, समथिंग वेंट रॉन्ग, ऐसे लिख देते। अब अभी अगर आप यहाँ पे डाल दोगे जैसे कि जीतू, तो
तो अभी वो तो जी तो है नहीं वहां पे, लेकिन उसने एरर थ्रो कर दिया क्या अभी? इसे हम लोगों ने ग्रेसफुली हैंडल किया हुआ है इसे. हाँ ठीक है, नहीं मिला तो आपको ये हैंडलिंग भी आना चाहिए, जो कि आपका पांचवा पॉइंट है आपके इसमें से, वाइल्ड कार्ड एंट्री, जो कि एस्ट्रिक से करते हैं. इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है कोई बता सकता है? व्हेनेवर राउटर इज नॉट मैच, व्हेन व्हेन एनी राउटर नॉट मैच देन इट विल रिडायरेक्ट टू रिडायरेक्ट. ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे बता सकते हैं. तो ये हमारा रूट कॉन्फ़िगरेशन हमने कर दिया. देखो ये हमने रूट कॉन्फ़िगरेशन, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन था रूट कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे हम लोग, यानी कि बाहर वाले सब लोग. अभी जैसे कि एम्प्लॉय के अंदर, जैसे एम्प्लॉय के अंदर अभी कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है या कोर्सेस है मेरे पास और एक पाथ बनाना है, जैसे कि कोर्सेस वाला है, मैंने वो बनाया नहीं, मैं बना देता हूँ यहाँ पे. पाथ जो होगा वो लिख देता हूँ कोर्सेस, और कंपोनेंट लिख देता हूँ कोर्सेस, कोर्सेस का. अभी मुझे क्या करना है कि इसके चिल्ड्रन है, कोर्स के जो है ना चिल्ड्रन है, जैसे कि ऐड कोर्स, अपडेट कोर्स, डिलीट कोर्स, इस तरीके से और भी कंपोनेंट है जो कि चिल्ड्रन है कोर्सेस के. तो हम क्या कर सकते हैं, बनाएंगे तो हम लोग डायरेक्टली इसके अंदर ही, जैसे कि एनजी जीसी और बना लेंगे, जैसे कि ऐड कोर्स एनजी जीसी अपडेट कोर्स. लिस्ट कोर्स मतलब सारे कोर्स को दिखा दे, ठीक है, लिस्ट कोर्स NGGC और डिलीट कोर्स. ये मतलब हम लोग कंपोनेंट बना रहे हैं. लेकिन अब मुझे क्या चाहिए कि ये जो है, ये सारे जो हम दिखेंगे, अगर मैं कोर्स डाल दूंगा यहाँ पे, उसके बाद अगर मैं स्लैश करके ऐड डालूंगा तो मुझे वो वाला कंपोनेंट जो है दिखना चाहिए. लेकिन एज ऑफ नाउ जो है उस तरीके से काम नहीं कर रहा है. देखो कोर्सेस है तो वो कोर्सेस के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, कोर्स है तो कोर्स के ऊपर चला जाएगा, ऐड रिमूव डिलीट इसके बाद वाले पे काम नहीं कर रहा है. तो आप इसे क्या कह सकते हो, यहाँ पे आते हो और हम कॉन्फिगर करते हैं चाइल्ड. अभी तक आपने रूट तो कर लिया है, मतलब जो पेरेंट वाला है वो कॉन्फिगर कर लिया है. लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी रूट का चाइल्ड है तो चाइल्ड कॉन्फिगरेशन भी हमें करना चाहिए. जैसे कि फॉर एग्जांपल के अंदर, जैसे ये मेन वाला रूट है हमारा कोर्सेस या कोर्स, इसके अंदर हम लोग रूट क्रिएट करना है ऐड कोर्स, ऐड कोर्स. उसके बाद दूसरा कौन सा है, अपडेट कोर्स, लिस्ट एंड डिलीट अपडेट कोर्स. तो ये हमें कॉन्फिगर करना आना चाहिए. तो कैसे हम लोग कॉन्फिगर करेंगे चाइल्ड उसके, तो सिंपली यहाँ पे कहाँ पे किस चीज के लिए करना है हमें, कौन से पेरेंट के लिए करना है, कौन से पेरेंट के लिए कोर्स के लिए. यहाँ पे आप ये जो कंपोनेंट है, इस कंपोनेंट की जरूरत नहीं हमें डायरेक्टली दिखाने की, आप सीधा सीधा यहाँ पे आइए और यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको चिल्ड्रन. क्या आप लोगों को दिखाई दे रहा है चिल्ड्रन? यस सर. यहाँ पे एरे लीजिए, क्योंकि आपके एक से, जब भी आपको एक से ज्यादा राउटर कॉन्फ़िग करना हो तो ऑब्वियसली हम लोग एरे का इस्तेमाल करते हैं. पहला हमारा है यहाँ पे, अब हम लेते हैं पाथ और यहाँ पे लिखते हैं ऐड, मान लेते हैं ऐड, ठीक है. और इसका जो कंपोनेंट हम लोग लोड करेंगे कोर्स को ऐड करने के लिए, हमने क्या कंपोनेंट का नाम बनाया था, ऐड कोर्स कंपोनेंट. सेम चीजें जो है इसके अंदर जाएगी. अभी दूसरा वाला जो पार्ट है, जैसे कि सेकंड वाला, इसमें हम लोग ऐड करेंगे तो वापस से एक ऑब्जेक्ट लेंगे यहाँ पे पाथ. दूसरा हमने क्या डिसाइड किया है, अपडेट के लिए जाएंगे हम लोग, और कंपोनेंट जो है
हम उसे लिखेंगे अपडेट कोर्स, डेट कोर्स कंपोनेंट। उसके बाद हम तीसरा वाला जो है यहाँ पे आते हुए तीसरा वाला भी जो है ले लेते हैं, पाथ में लिस्ट कर देते हैं सिर्फ, है ना, लिस्ट कर देते हैं। और कंपोनेंट जो है, कंपोनेंट का नाम क्या लिखा था हमने, लिस्ट कोर्स कंपोनेंट, है ना, ऐसे। और फोर्थ वाला चिल्ड्रन जो कोर्स का है वो क्या लिखा था हमने, डिलीट कोर्स, डिलीट डिलीट कोर्स के बारे में हमने लिखा है। और कंपोनेंट जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे डिलीट कोर्स कंपोनेंट। तो चिल्ड्रन है ना, इस तरीके से आपको करना होगा। देखो ध्यान से देखो, ये बाहर वाले तो मैंने कर ही दिया, लेकिन आपको लगता है कि कोर्स है, इसके अंदर भी और राउट हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आपको ये करना पड़ेगा। क्या आप लोगों को ये क्लियर है इतना? Yes, sir. As of now, ये अभी जो बताया एक बार थोड़ा सा रिपीट कीजिए ना। देखिए ये चिल्ड्रन है किसी भी कंपोनेंट के अंदर, जैसे कि कोर्स के अंदर भी हम लोग कंपोनेंट बनाएंगे, मतलब कोर्सेस, कोर्स ये मेन कंपोनेंट है जो आपने बनाया है। जैसे देखो ये पाथ है कोर्स, लेकिन इस पाथ के अंदर भी बहुत सारे चिल्ड्रन हो सकते हैं, जैसे कि सर्विसेस है। अभी लेट्स सी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय के अंदर हम ऑपरेशन करेंगे, एड एम्प्लॉय, शो एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, इस तरीके से। अभी लॉगिन एंड लॉग आउट के लिए तो कोई पेरेंट या चाइल्ड होगा नहीं, वो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये जो बाहर वाले हैं ये डायरेक्टली सिर्फ स्लैश लॉगिन स्लैश एम्प्लॉय करने के बाद दिखाई देंगे। अभी कोर्स को बहुत सारे मल्टीपल राउट्स होंगे कोर्स के अंदर, तो इसीलिए हम लोग चिल्ड्रन लेके एरे लेके इस तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे ऐसे। तो आप बताइए कि कोई भी एक मेन्यू और उसके अंदर उसके चिल्ड्रंस हो सकते हैं।